डिस्क्लेमर, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कल वाले वीडियो पर लगभग 250 व्यूज आए, जो कि बहुत कम है, पर एक चीज जरूर देखने को मिली, लगभग 45 लोगों ने लाइक किया, जिससे पता चलता है आप में से बहुत से लोग चाहते हैं आपका अपना एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिशियल चैनल आगे भी चलता रहे। तो इसीलिए लाइक करने के साथ साथ दो लाइन का कमेंट जरूर लिखें और 3 इमोजी से ज़्यादा इमोजी का यूज़ ना करें, फिर आप लोग खुद देखेंगे कि ये चैनल पहले की तरह रफ्तार पकड़ लेगा। आप सब लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब देखते हैं एडम ने जब फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इस्लाम जैसे टॉपिक को लेकर मोमिन से बात करना चाहा, तो इस मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आया। क्या मोमिनों की नज़र में वाकई इस्लाम में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? सर, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उस पर बात करना पसंद करेंगे आज? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या इस्लाम फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करता है? सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं अलाउ नहीं करता। ओके, तो इस्लाम में इनहेरेंटली फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नहीं, अगर आप नबी के बारे में कोई बात करोगे तो सर कौन बर्दाश्त करेगा? ओके, तो आप लोग बाय डिफॉल्ट जो क्रिश्चियंस हैं उनके खुदा के बारे में बात करते हो ना, कि उनका खुदा खुदा नहीं है? जी। अगर वही क्रिश्चियन आके खड़ा होकर कहे कि तुम्हारा मोहम्मद नबी नहीं है, वो एक पेडोफाइल है और तुम्हारा अल्लाह अल्लाह नहीं है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ क्यों हो गया, जबकि तुम उसके खुदा को खुदा मानने से इनकार कर रहे हो और उनके खुदा को सिर्फ अपना नबी बना रहे हो? जी जी जी। तो फिर मुझे बताएं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी यक तरफा क्यों है, बोथ तरफा क्यों नहीं है? क्रिश्चियन क्यों ना आपको उसी तरीके से 495C के अंदर रख के आपको फांसी की सजा दे या आपको 10 साल जेल के अंदर रखे, बिल्कुल उसी चीज के ऊपर जिस चीज के ऊपर आप 495C और अल्लाह जो है वो सिर्फ एक इंसान है, वो एक मैसेंजर था, वो खुदा तो था ही नहीं, और मोहम्मद झूठा था क्योंकि उसने अल्लाह को अल्लाह बना दिया, दैट्स इट। मैं भी ये बोल देता हूँ, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ होगा? नहीं सर, कुछ ये बात तो सही है, ये बात सही है ना? लोग कहेंगे। देखिए, अब देखो, उनका ईसा जो है वो उनका तो अल्लाह है ना? जी, उन क्रिश्चियंस के लिए तो अल्लाह है ना? जी, उनके लिए अल्लाह है। अब अगर आप उनके अल्लाह को कह रहे हो जी हम तो बड़ी इज्जत दे रहे हैं, तो ये इज्जत कहाँ से हुई अगर आपने उनके अल्लाह को एक इंसान बना दिया सिर्फ? अब अगर वही लोग आपके अल्लाह को कहें कि अल्लाह तो एक इंसान है, एलियन शेप इस वजह से क्योंकि अल्लाह के दोनों हाथ राइट हैंड है और वगैरह वगैरह, उस चीज में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वही क्रिश्चियन आपको खड़े होकर कहे कि अल्लाह एक एलियन शेप्ड का इंसान है और मोहम्मद झूठा था, उसने गलत बोला था, तो भाई आप मुझे बताएं, जब आपको ये चीज बुरी लगेगी तो आप क्रिश्चियनों को क्यों ऐसे बोलते हो? अच्छा एडम साहब, मेरी बात सुने, एक मिनट, क्या बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? जी सर, कई जगह लिखा हुआ है, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हजारों जगह पे लिखा। अच्छा, The whole question is कि अगर आप कहते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, आप नबी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो आप दूसरों के अल्लाह के बारे में, दूसरों के नबी के बारे में गलत क्यों कहते हो? क्योंकि आप लोगों का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि पॉल ने बाइबल करप्ट कर दी, मैथ्यू ने बाइबल करप्ट कर दी, जॉन ने बाइबल करप्ट कर दी, उन्होंने गलत लिख दिया, और ईसा जो था वो तो अल्लाह था ही नहीं। तो अगर आप ऐसा कहते हो तो एक क्रिश्चियन क्यों नहीं खड़ा होकर कह सकता कि मोहम्मद ने कुरान करप्ट कर दिया, मोहम्मद एक नबी नहीं था और अल्लाह जो था वो एक इंसान था? सेम चीज क्रिश्चियन क्यों नहीं कह सकता? अच्छा एडम साहब, मेरी बात सुने, 2 मिनट प्लीज मुझे दें, हम 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट दें, आपका कॉल ज्वाइन करता हूं, 2 मिनट दें। नहीं देखिए, आज का आपका मजमून है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन मैं कुछ और बात करने जा रहा हूं, 2 मिनट दें मुझे। नहीं नहीं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहे हैं। यस्टरडे साहिल भाई के चैनल में मैं बहुत अच्छे और अहसन तरीके से बात कर रहा था, मुझे एक बंदे ने आके मां बहन की गालियां दी, हालांकि मैं बहुत अच्छी और ऐसे तरीके से बात कर रहा था, दूसरे बंदे ने कत्ल की धमकी दी, उसने कहा तुम्हारे पीछे बंदे दौड़ा दिए मैं। सर, ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप अगर चाहो तो दुनिया के किसी भी मजहब के ऊपर बोल सकते हो, आप अगर चाहो तो दुनिया के किसी भी मजहब कह सकते हो कि भागवत गीता में कृष्णा ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ाई थी, आप ये बोल सकते हो? और नहीं सर, मेरी बात सुनिए, ऊपर आप एक सेकंड रुक जाए, मैं, आप अपनी बात सुनाइएगा मुझे, आपके स्कॉलर्स ने बोला भाई ये बात, ये आपकी बात आपके स्कॉलर्स ने बोला, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? आप ये बोल सकते हो,
आप ये बोल सकते हो कि जो जीसस थे वो गॉड नहीं थे, सन ऑफ गॉड नहीं थे, गॉड नहीं थे, गॉड इनकार्नेटेड नहीं थे, वो सिर्फ एक इंसान थे और हमारे नबी हैं वो, और वो हमारे नबी हैं, उसको आपने अपने अंदर ही डाल दिया, अपने मजहब के अंदर डाल दिया बिला वजह। लेकिन जब कोई आपके ऊपर सवाल करे, आपके नबी के ऊपर बात करे, आपके अल्लाह के ऊपर बात करे, वहां पे आप लोगों की तरफ से फुल स्टॉपर आ जाता है और कत्लो कताल की धमकियां और गालियां आ जाती हैं। माई क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल माई फ्रेंड, ऐसा क्यों है कि आप दूसरों के बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आपके बारे में कुछ कहा जाए तो आप आरआर शुरू कर देते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन, टेक योर टाइम सर, बोलिए। एडम भाई के इस सवाल का जवाब इस बंदे के पास रेफरेंस के साथ हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ जलेबियां बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा एडम साहब, बात ये है कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी के दीन को या किसी खुदा को बंदा मत को, वो जो है ना आपके खुदा को गाली देंगे, लेकिन ये जो है ना इंडिया पाकिस्तान का सामान देते हैं। आपकी आयत गलत है, आपकी आयत गलत है, दोबारा से पढ़ें। किसी के खुदाओं को गाली ना दो, या मोहम्मद, मोहम्मद को एड्रेस किया जा रहा है, मोहम्मद ने गालियां दी थी। किसी के खुदाओं को गालियां ना दो, पलट के हदीस नहीं है, कुरान की आयत है। आयत आपने दी है, आयत आपने दिया, रेफरेंस मैं दूं? खोलिए अपनी आयत और पढ़िए। सर बात सुने ना, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो है ना कुरान में फरमाया है। जी जी, वो आयत पढ़े, क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा आयत। तो सर नहीं बता, हमने मौलाना के मौलाना के जो ना तकरीबन, अगर आपको, अगर आपको नहीं पता तो नहीं, नहीं मेरा भाई, नहीं देख रहा है आपने बात सुने ना, कह रहा हूँ नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नबी ने किसको गाली दी, हदीस दिखाएं आप मुझे। भाई ये कुरान आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा कि आपने भी पढ़ा है, ये किसने पढ़ा, आपने कि मैंने? सर मैंने तो आपको बोला कि जो है अल्लाह ताला ने और ये हमारे नबी ने कहा है किसी के दीन को गंदा मत, आप कह रहे हो कि नबी गालियां देता था, मैं कह रहा हूँ वो रेफरेंस दिखाओ जो नबी गालियां देता था। अरे भाई ये रेफरेंस आपने बोला है अभी, राइट? आपको पता होना चाहिए ये रेफरेंस कहाँ है, कि मेरे को पता होना चाहिए रेफरेंस कहाँ है। इमेजिन आप लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, मैं साबित करना चाह रहा था, मैं रेफरेंस कई दफा दिखा चुका हूं, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108 है। मेरे इवन लाइव व्यूअर्स जानते हैं कि ये आयत कौन सी है, आप नहीं जानते आयत कौन सी है। ये देखिए, वला सुब्बू और ना दो गालियां, अल्लाह जीना याद ऊना मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को जो जिनको वो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा। ये देखो, और तुम ना गाली दो, किसको एड्रेस किया जा रहा है, मोहम्मद को, या यू अल्लाह जीना आमनू को नहीं, एम लोगों जो के ईमान लेके आए उनको नहीं, वला और ना दो कौन, तुम तसुब्बू, तुम ना गाली दो, तुम, हु इज तुम, सिंगुलर के अंदर, वाहद के अंदर, ये तुम कौन है वाहद के अंदर। आइए इब्ने कसीर इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम मल्टीपल हदीसों से पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला अपने नबी को और आपके मानने वालों को, आगे देखें आया कहां से था, ये देखें, चलो अबू तालिब से कहे कि वो अपने भतीजे हजरत मोहम्मद को रोक दे, वरना यकीनी बात है हम इसे मार डालेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे बुतों को गालियां दे रहा है। ये देखें, अबू तालिब ने कहा बुलाओ ये लोग, कहने लगे हम अपने बड़े सरदार मानते हैं, आपको मालूम है मोहम्मद हमें सता रहा है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। अबू तालिब को कह रहे हैं अरे मोहम्मद को मना करो, वो हमें सताता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, गालियां दे रहे हैं, हम चाहते हैं आप इसे बुला कर मना करें, हम भी रुक जाए। अबू तालिब हुजूर को बुलाया, तशरीफ लाए, और आपने जमा कर लिया सब लोग कंबे, आपने इनके माबूदों को छोड़ दें, आप भी अल्लाह को छोड़ दें, आपने कलमा खैर कहता हूँ, ये सब सोचते हैं, जवाब देते हैं वगैरह वगैरह, लंबी लंबी यह पढ़ लेना। इवेंचुअली बात ये है कि ये आयत भी सिंगुलर पर्सन को दी जा रही है, या यो लजीना आम अनु को नहीं है, आयत डायरेक्ट मोहम्मद से बात कर रही है कि मोहम्मद तुम ना गालियां दो, और इसकी तमाम तफसीर इब्ने कसीर कुर्तुबी तिबरी सारे ये बात करते हैं कि मोहम्मद लोगों के बुतों को गालियां दे रहा था, उस वक्त मोहम्मद को मना किया गया, मगर यही आयत बाद में एब्रोगेट हो गई, क्योंकि ये बात अगर एब्रोगेट ना होती ये आयत तो मोहम्मद फिर गालियां तो छोड़ो, उसने तो फतेह मक्का के मौके के ऊपर जाके 307 के 307 बुत तोड़ दिए, गालियां तो फिर भी मुंह से है, बुत तोड़ना तो हाथ से है, उसके अलावा उसने इर्द गिर्द के 6 काबे जो थे, इर्द गिर्द के छोटे काबे 6, उन 6 के 6 यमनी काबा और XYZ काबा, वहां में अली को और अपनी बाकी फौजों को भेजा ताकि उन काबों को सारों को तोड़ा जा सके, क्योंकि उन काबों के अंदर, छोटे काबों के अंदर बुत थे। तो माई फ्रेंड ये जो आपने आयत दी है, आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं क्या करूं?
अच्छा एडम साहब बात सुने मेरी आप एक मिनट। जी सर मैं सुनता हूँ। देखिए कुरान और हदीस में सारी बातें नेगेटिव समझ सकती है ना सर, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है। आप सर नेगेटिव शो कर रहे हो, पॉजिटिव वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस बंदे को कुछ भी अता पता नहीं है, ये केवल सुनी सुनाई बातों को लेकर यहाँ पर बकवास करने आया है। लेकिन बेसिकली आप इस चीज से अग्री करते हैं पहले? देखिए इस टॉपिक को रिवाइंड खत्म करते हैं, फिर मैं आपके साथ दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ। देखिए यानी कि आप एटलीस्ट इस चीज से एग्री करते हैं कि इस्लाम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देता, लेकिन दुनिया से जरूर लेता है। दुनिया को कहता है तू मुझे दे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तू मुझे दे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन मैं नहीं तेरे को दूंगा। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं? सर बात सुना है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा होता है। आप कहीं भी चले जाएं, आपने देखे होंगे, इवन वीडियो देखे होंगे आपने, कि ऐसा सिर्फ जो है ना कत्ल वगैरह ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की तरफ होता है, बाकी जो है ना मुल्कों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। नहीं होता। इजिप्ट में क्या होता है? यहां कोई कट्टरता ज्यादा नहीं। इजिप्ट में क्या होता है भाई? इजिप्ट में आपने 20 मिलियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का कत्ले आम किया सिर्फ 4 सालों में और बाकियों को मुल्क बदर कर दिया। 20 मिलियन, सिर्फ 4 मिलियन रह गए 4 इयर्स ऑफ आपकी ऑक्यूपेशन के अंदर। 20 मिलियन सिर्फ 4 मिलियन रह गए आप लोगों की ऑक्यूपेशन के अंदर। आप मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता है, इस वक्त भी इजिप्ट के अंदर आपके पास अगर कोई चर्च बचा है, जो चंद एक छोटे चर्च बच गए हैं अभी भी, उनके आप बाथरूम को एक्सटेंड नहीं कर सकते, उनके बाथरूम को रीबिल्ड नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट से आप अप्रूवल ना लें। आप मुझे कह रहे हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में, कैसी बात कर रहे हैं? अभी पिछले दिनों गाजा से 5,000 मिसाइल गए इसराइल के ऊपर, 5,000 दो घंटे के अंदर अंदर। जब इसराइल ने कहा 3 दिन का मोहलत देता हूं, निकल लो जहां पे निकलना है, उसके बाद मैं अटैक करूंगा, मेरी बारी है शेर धारा, तो आप लोगों ने आर आर मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। हाय औरतें बच्चे, औरतें बच्चे मर गए, औरतें बच्चे मर गए, औरतें बच्चे मर गए, औरतें बच्चे मर गए। तो जिस वक्त आपने 5,000 मिसाइल मारे थे वो टारगेटेड मिसाइल थे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वहां पे औरतें बच्चे नहीं मारे थे। तो भाई ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस्लाम वन साइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्यों है कि हम तेरे मतलब के बारे में कुछ भी कहेंगे, तेरी आइडियोलॉजी के बारे में कुछ भी कहेंगे, तू मेरे बारे में नहीं कुछ बोल सकता, ये वन साइडेड क्यों है? अगर इस्लाम मजहब सच्चा नहीं है, ठीक है सर, खुदा नहीं है, बार बार आप इस चीज पे क्यों जाते हैं इस्लाम मजहब सच्चा है कि नहीं है? भाई अगर आप इस्लाम मजहब की तमाम चीजें पढ़े, अच्छा अगर अगर कोई मजहब सच्चा हो, अगर कोई अगर कोई मजहब सच्चा हो तो उसको क्या तकलीफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच देने के लिए? एक मिनट बच्चा देखे, जब बच्चा पैदा होता है माँ का, जानवर का हो इंसान का हो, तो उसे कैसे पता चलता है कि मुझे मुंह से दूध पीना है? ये कौन बताता है उसे? कोई नहीं बताता। जब वो माँ के पेट के अंदर होता है तो बता इसमें क्या बता रहा हूँ यार, अगर आपको नहीं पता बेबी हो तो सुन लो ना। आपने क्वेश्चन किया यार, जब आप लोग क्वेश्चन करते हो फिर सबर क्यों नहीं करते? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है और वो माँ के पेट के अंदर उस पानी के अंदर तैर रहा होता है जो माँ के पेट के अंदर है, तो वो अपने अंगूठे को चूसता है, चूसता है, उसके अंगूठे में जो माँ का लिक्विड है वो लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि उस लिक्विड के अंदर है, और वो उस अंगूठे को चूसता है। वो माँ के पेट के अंदर 6 महीने से अंगूठा चूसना शुरू करता है और टांगे मारना शुरू करता है, मूवमेंट शुरू करता है। वो जो चूसने की ताकत है वो उसको मुंह के अंदर टेस्ट मारती है, वो जो टेस्ट और चूसने की ताकत है वो जो शट अप मैन, जब वो बच्चा पैदा होता है तो ही नोज हाउ टू सकल द ब्रेस्ट, ताकि वो अपनी माँ के ब्रेस्ट के अंदर से दूध खींच सके। दिस इज हाउ द किड नोज कि उसने मुंह से पीना है दूध जब वो हंगरी है, जब वो क्राई करना। जी सर। ओके ओके सर, एक मैडम अब ये बताएं कि बकरी के बच्चे का अंगूठा होता है? नहीं होता सर, आपने इंसान के बच्चे की बात। तो सर तो बकरी का बच्चा भी तो सर दूध पीता है, भैंस का बच्चा कोई भी बच्चा हो दूध पी जाता है? जी सर वो भी दूध पीता है, और बकरी का जो बच्चा है वो भी अपने माँ के तरह से दूध पीता है, क्योंकि उसको भी वहां पे क्योंकि उसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं किया, मुझे नहीं पता, मुझे सर्च करना पड़ेगा जाके। आप सर देखिए, मैं बकरी के बच्चों के साथ सेक्स नहीं करता आप जैसे लोगों की तरह, तो लिहाजा मुझे बकरियों का इतना नहीं पता, इंसानों का पता है। आप इंसानों पे वापस आ जाए, नहीं तो खुद बता दें कैसे उसे पता लगता है साइंटिफिकली। सर खुदा बताता है, डन हो गया जी, खुदा बताता है, लेकिन खुदा अल्लाह तो नहीं है ना। देखिए खुदा का देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वन सेकंड में दोबारा बताता हूं, वो खुदा तो जीसस है। वन सेकंड, जिसको आप रिजेक्ट करते हो, यहूदी का खुदा भी है कि हिंदू का खुदा भी है कि मुसलमान का खुदा भी है क्या सर? डन हो गया फिर, अभी अभी से अभी को खुदा जीसस बोलो।
रब जीसस तेरा शुक्र है कि तू बकरी को माँ बकरी माँ के पेट के अंदर सिखा देता है कि दूध कैसे पीना भी बोल दो तुम्हारे मुताबिक तो सब एक ही है ना बोलो अब ये फंस गया है अब इसकी बोलती बंद हो जाएगी अब ये यहां से जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करेगा सर ईसा अलैहि सलाम को नहीं बोल सकते ना सर क्यों नहीं बोल सकते जब अभी आपने कहा सबके खुदा एक है तो मैं बोल रहा हूँ ना तुम भी बोलो मैं अल्लाह को बोल दूंगा तुम जीसस को बोल दो बोलो सर तो सर हमारी किताब के मुताबिक तो फिर एक नना हुए फिर एक नना हुए फिर बदतमीजी होगी ना ये फिर झूठ बोलते हो ना अगर एक ही है तो बोल दो ना उनके लिए जीसस है तुम्हारे लिए अल्लाह है बोल दो उनके रब भी मैं तुम्हारा रब बोल दूंगा तुम्हारा रब दूध पिलाना सिखाता तुम उनके रब की नाम ले लो बोलो बोलो ईसा तेरा शुक्र है तू बकरी के पेट में उसके बेबी को दूध पीना सिखा देता है बोल एक एक मिनट सर एक मिनट मैं आपको एक और रेफरेंस दे रहा हूँ कुरान के मुताबिक ठीक है सर नहीं रेफरेंस नहीं अभी दे जो आपने बात सर देखें आप तीन दफा बात से बदलते हैं और जंप लगाते हैं मुझे ये डड्डू से बात करना पसंद नहीं है मुझे डड्डू से बात करना पसंद नहीं है सर देखिए बात कर रहा हूँ जहाँ तो सबसे पहले ये कहें कि हाँ यार आपने गलत स्टेटमेंट दी थी स्टेटमेंट वापस लें और अगली बात भी चले वरना ये जंपे नहीं मुझे पसंद है सॉरी अगर जंपे लगानी है तो जाएं जंगल में जाएं एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जंप लगाएं एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जंप लगाएं यहाँ पे नहीं डोंट जंप एडम सर बात सुने ठीक है आपकी बात को मैं सही बोलता हूँ अब आप मेरी बात सुने क्या कह रहा था मैं हाँ आप सोच लें पहले आप किसी और से बात करता हूँ तो देखा दोस्तों यही है असली इस्लाम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें इस्लामिक कट से बचें अपना ख्याल रखें जय हिंद वंदे मातरम